वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाम। मुतवाजी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंडर ने श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुँच के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिता तनखाहिया करार। हरियाणा कमेटी विवाद उत्ते श्रोमणी कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने गुरु घर के मर्यादा भंग करने की की सख्त निंदा। कहा गुरु घर कमेटी की मीटिंग दे विच वरती गई भाषा निंदन योग। इस मौके उन्हां कहा है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कर देना चाहिए है भंग। हड़ां के हालातों के सरकार ने पंजाब नूं छड्या लावारिस। श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल का बयान नाल ही पंजाब के पानिया के मुद्दे नूं लैके उन्हां घेरी पंजाब सरकार। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 के सोध करके सिख धर्म के बेलोड़ी दखल अंदाजी करन दे दोष हेठ मुतवाजी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड के वलों मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान को अकाल तख्त साहिब तो तनखाहिया करार दिता गया है। इस संबंधी आदेश उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के सकत्तरेत सामने जारी किया। मुतवाजी जथेदार के वलों मुख्यमंत्री भगवंत मान को अज तीजी बार अकाल तख्त साहिब उत्ते सद्या गया सी। अकाल तख्त साहब की मर्यादा अते रवायत अनुसार तीन मौके मुख्यमंत्री नूं दिते गए सन, परंतु अखीरले मौके ते एक बंद लफाफा भेजा गया जिस करके मुख्यमंत्री दे स्पष्टीकरण नूं पढ़न लई कुछ दिनों वास्ते कार्रवाई नूं अगे पाया गया, परंतु हुण जदों वो चिट्ठी पढ़ी है तां इस नाल अकाल तख्त साहब जां पंथक जज्बातां अनुसार कोई अहमियत नहीं बनती। इस करके अजिहा प्रतीत हो रहा है कि यह सब कुछ एक साजिश अधीन जानबुझ के बदनीति नाल कीता जा रहा है। इस करके पंज सिंह साहिबाना की मीटिंग विच विचार करन उपरंत यह गुरमता सुध्या गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जानबुझ के अकाल तख्त साहब का समा खराब करते आ रहे हैं अते उन्हां नूं अपने किते ते कोई पछतावा नहीं हो रहा। इसलिए अजिहे बजर गुनाह अते अकाल तख्त साहब नाल मजाक विच पेश आउण दे दोष विच भगवंत सिंह मान नूं मुख्यमंत्री पंजाब नूं तनखाहिया करार दिता जांदा है अते समुचे खालसा पंथ अते गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं अपील कीती जांदी है कि भगवंत सिंह मान नूं उन्हां चिर किसी भी पंथक समागम जां गुरद्वारा साहिब दी स्टेज तों ना बोलन दिता जावे ते ना ही गुरु दी बख्शिश सरोपाओ दिता जावे। जिन्ना चिर श्री अकाल तख्त साहिब ते पेश हो के माफ़ी नहीं मंग लेंदे सिख संगतां इस आदेश नूं मन के गुरु हरगोबिंद साहिब दीआं खुशियां प्राप्त करन। बहबर कला गोलीकांड दे विच पीड़ित परिवार अते इंसाफ मोर्चे दे आगू भाई सुखराज सिंह दे वलों इस घटना दा अजे तक अदालत दे विच चलान पेश ना करन संबंधी साबका पुलिस अफसर अते मौजूदा विधायक कुंवर विजय प्रताप नूं जिम्मेवार ठहराया गया। भाई सुखराज सिंह ने इस मौके रोस प्रगट करदिआं कहा है कि कई साल बीत जाण तों बाद भी पुलिस पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही। देखो जी, पहला तो लंबा समा हो गया आपां इस चीज़ नूं लैके बहुत ज़्यादा चिंतित चली जाने कि इस दे चलान दिते जाणगे, कोर्ट दे विच केस चलूगा, पर हाव भाव देख के लगता कि बहुत दुख की गल है कि एक चलान पेश कराने के लिए भी सानू कोर्ट का दरवाजा खड़काना पिया तो उहदे विच आ के वह बंदे भूमिका निभा रहे हैं जिन्हां दीआं कमियां करके चलान लेट होए आ। सीधा सीधा मैं साफ शब्दों च कहांगा, कंवर विजय प्रताप हुणां ने जिहड़ी हुण एप्लीकेशन ला के कहिंदे आ कि उन्हां ते असीं किंतू कीता, मैं तां दोने आईओ नूं कीता। जिहड़ी एप्लीकेशन लाई गई आ, एक एक्स आईओ जिन्हां ने जांच कीती सी, एक जिहड़े कर रहे आ, असीं दोनों नूं कोर्ट दे विच सद्दिआ सी, असीं दोनों दे नाल लै के कहा सी वी एक ने बयान जिहड़े गलत लाए सीगे, एक नूं बयान असीं देना चाहुंदे, बयान लैण नहीं आ रहे,
ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗੀ, ਸੈੱਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਚੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ 'ਤੇ ਐਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣ ਚਾਰਜ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਭੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਵੀ ਪਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਿਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 101 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਤੇ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। SGPC ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਮਹੰਤ? ਮਹੰਤ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, OSD ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ,
51 नंबर मता की है कि हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों गुरद्वारा थड़ा साहब जौड़िया जमुना नगर विखे सिख इतिहास रिसर्च सेंटर खोलण संबंधी विचार। हुण तुसी दसो संगत जी, 52 गुरद्वारे आ इतिहासक साडे को हरियाणा कमेटी कोले, वड्डे गुरद्वारे की रिसर्च सेंटर उत्थे नहीं खोलिया जा सकता? महंत दे डेरे जमुना नगर क्यों खोलिया जावे बई? रिसर्च सेंटर करोड़ां रुपया ला के उही गल होगी ना। बादलां ने गुरद्वारे की जमीन दे विच शाहबाद मारकंडा मैडिकल कॉलेज खोलिया मीरी पीरी, तो उहदा बोर्ड अपना घरेलू बनाया आप दा, ते अज तक नहीं असीं उह लै सके। हरियाणा कमेटी ने गुरद्वारियां दा प्रबंध संभाल लिया पर मीरी पीरी जिहड़ा मैडिकल कॉलेज उहदा प्रबंध अजे तक नहीं आया हरियाणा कमेटी कोले। बादलों का बोर्ड इस तरह महंत बादलों के नक्शे कदम से चलता कि सिख इतिहास रिसर्च सेंटर इतने बन जूगा। कल नूं मैंबर रहा ना रहा, प्रधान रहा ना रहा, पर करोड़ों रुपया का जिहड़ा रिसर्च सेंटर आ उहदा मालक मैं बन जूगा। वो मेरे डेरियों चक्के तो नहीं लै जाणगे। इस चीज़ नूं पास करन वास्ते संगत जी ये सारा ड्रामा किया महंत ने, तलखी पैदा भी वाकआउट कर। असी वाकआउट नहीं किया, असी तलखी तो बाद भी बैठे रहे। सीनियर मीत प्रधान भुपिंदर सिंह असंध, जनरल सैकटरी गुरविंदर सिंह धमीजा, एग्जैक्टिव मैंबर बीबी रविंदर कौर जराणा, वह बैठे रहे कि आओ मते पास करो, जेडे करन वाले आओ इत्थे विचार इत्थे दिओ, पर पुलिस नूं कहिंदे रहे इन्हां नूं कढ दिओ इत्थों, इन्हां नूं भेज दिओ। पुलिस आउंदी रही साडे कोल, असीं कहा वी असीं उन्ना चिर नहीं जाणा, इह तां बाद च मीटिंग कर लैणगे। कहिंदे उह मीटिंग नहीं करनगे, इह झूठे आदमी आ, करनगे। जे असीं इत्थों चले गए इन्हां ने मीटिंग करके आ मते पास करने, असीं अज दी मीटिंग च मते नहीं पास होण देणे। पिछले दिन आम आदमी पार्टी के एक विधायक उत्ते इल्जाम लगे सन कि विधायक ने अपने दफ्तर दे विच बुला के एक सब इंस्पैक्टर नूं साथियों तो कटवाया। इस मामले के बेशक पुलिस ने कई व्यक्तियों नामजद किया है, पर अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया ने इल्जाम लगाए ने कि पुलिस अफसर ने सरकार तो डरद्या असल दोषी स्थानक विधायक उत्ते परचा दर्ज नहीं किया। इस बारे कॉन्फ्रेंस करद्या बिक्रम मजीठिया ने मांग की है कि दोषी विधायक उत्ते ना सिर्फ परचा दर्ज किया जाए सगों इसकी विधानसभा मैंबरशिप भी रद्द होनी चाहिए है। अज 14 तरीक का वाकया और 11 बजे AM सवेर का परचा दर्ज हो रहा है। 10 घंटिया बाद बड़ी कोशिश की गई कैलाश चंद्र सब इंस्पैक्टर दबाउण दी, डराउण दी, ते अज चौथा दिन है नो रेस्ट। और मैं फिर उस दिन वाली गल दला रहा कि थानेदार नूं सद्या किने, MLA साहब आप मन गए हुण कि मैं सद्या। फिर MLA साहब नूं ए भी पता सी, पहला कहिंदे आ कि मैनूं पता नहीं, फिर आप ही मन गए क्योंकि चोर किवें गल लकोलू आपदी जिहड़ा झूठ बोल रहा। आप ही मन गए कि इन्हां दा ना जी आपस च तलखी होई सी, फर्क सी। फिर भाई जे तलखी सी ते तैनूं नहीं पता उन्होंने आपस च लड़ाई भी हो सकती, तेरा की काम है? तुसी आपदे दफ्तर च वर्दी वाले नूं सद के पग जिहनूं मान है हिंदू भाईचारे दा बंदा शर्मा भाईचारे नूं बुलाऊ करदा, सारी उम्र पग बनता आया। SSP दा कवर अप वेखो, तुहाडे जर्नलिस्ट ने फोन किया ते पुछिया, मैं बड़ा आस सी कि मैडम विल गिव जस्टिस, पहली बारी SSP शायद लगे है, मगर लगता है पहली बारी लगन का दबाव भी बन गया कि जे मैं MLA की मदद ना की, सरकारी दरबारे मदद ना की, तो मेरे ते किते मैनू बदल ना देन। पहला तो कह रहे होया कुछ नहीं, फिर कह रहे कि हां असॉल्ट होया, फिर कह रहे कपड़े फटे ही नहीं। जब असॉल्ट होया कि थानेदार ते साथ किन्ने बंदिया ने किया है, MLA दे दफ्तर च किया, तो सुभाविक है असॉल्ट च ओहदी पग उतर गई, खिच धू च ओहदे कपड़े पाड़ते, उत्थे कहड़ा कोई ओहदे नाल जाके बड़ा प्यार कर रहे सी। ते उदो श्रोमणी अकाली दल दे विच गुरचरण सिंह चन्नी दी मुड़ घर वापसी हो चुकी है ते उह अकाली दल दे विच शामिल होए ने। सुखबीर सिंह बादल ने उन्हां नूं पार्टी दे विच शमूलियत करवा दित्ती है। इस उपरंत उह मीडिया दे मुखातब होए अते उन्हां आप सरकार उत्ते तिखे निशाने साधे। उन्हां कहा है कि हड़ दे हालातों विच सरकार ने पंजाब नूं लावारिस छड़ दिता है अते जिहड़ी जिम्मेवारी पंजाब सरकार ने निभाउणी सी उह श्रोमणी कमेटी वल्लों निभाई जा रही है। ते तुहानूं दस दईए कि इस मौके उन्हां पंजाब दे पाणियां नूं लै के भी अपना बयान दिता।
अज पंजाब विच चारों तरफ तबाही अज नहीं कई बार हुई है, नुकसान पंजाब भरता है जे आउंदे है, पर पानी का फायदा हुण राजस्थान ले जांदा ते हरियाणा ले जांदे, ते हरियाणा भेजण वास्ते भी ते पंजाब उधर वे अपने राजस्थान भेजण वास्ते कांग्रेस सरकार दे फैसले है। आ जिहड़े फैसले बिल्कुल रद्द होने चाहिए है, रिपेरियन राइट्स दे राइट होने चाहिए। जे साडा 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, जे साडी जाना चले गई, घट तो घट साडा पानी तो साडा होना चाहिए सी। हुण राजस्थान नूं कोई सुक्का पिया पानी अपना ले जांदे है। मैं अज ते थोड़े राही फिर तो दसना चाहुंदा जिन्हां नूं नहीं पता, जिन्ना पानी पंजाब दा है दरियावां दा अद्धा पानी राजस्थान लैके जांदा है। हुण डुबदा पंजाब है, अद्धा पानी राजस्थान चले जाणा है, उत्थे वधिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना साडी गई है। सो मैं पार्टी विच क्लीयर थिंकिंग असीं कर चल रहे हैं कि साडी सरकार आऊगी, आ सारे एग्रीमेंट रद्द होने चाहिए, पुराने सारे एग्रीमेंट रद्द होने चाहिए है। जे असी नुकसान झलना है तो यह फायदा भी सानू होना चाहिए। आ जिहड़े पुराने एग्रीमेंट है आ उस टाइम होए, पता नहीं की हालात होए, पर कांग्रेस ने धक्के ना कराए वो फैसले। अज की तरीक मैं क्लीयर है एज अ पार्टी, साडी इंटरनल मीटिंग चल रही है कि आ साडा मेन एजेंडा होना चाहिए है कि पानी साडा तो नुकसान साडा असी झल रहे हैं तो पानी भी साडा होना चाहिए। दूजी गल जी मैं कहना चाहना है, आ मुख्यमंत्री कहता की सी, कहता सी बकरियां मर जान मैं थोनू पूरा मुआवजा दूंगा, मुर्गियां मर जान थोड़ा मुआवजा दूंगा, मेरे को वाधू पैसा है। तो हुण की कह रहा है कि मैं तो 6,800 ही दूंगा किले का। भारतीय सिनेमे की गल करिए इत्थे अक्सर ही फिरका परस्त पैदा करन वालियां फिल्मां बणदियां ने, जो कि धार्मिक तौर उत्ते किसी खास भाईचारे नूं निशाना बना के बहुत ही गिणती नूं खुश करदियां ने। अजिहे ही इल्जामां दे विच हुण सनी देओल की गज़र 2 फिल्म भी घिर चुकी है। खालसा एड दे मुखी भाई रवि सिंह खालसा ने इस फिल्म बारे अपने विचार सांझे कीते ने। सारे कही जांदे भाई सनी देओल, धर्मिंदर, इह सारे पंजाब दे पोते आ, तो जिहड़े असली पंजाब दे पोते आ, जिहड़े हड़ां दे विच इन्ने ने पाणी सेवा कर रहे आ, तो वह पंजाब दे पुत नहीं गए। साढ़े अच्छ फिल्म स्टार साढ़े पंजाब दे पुत बन गए आ, जिहड़े फिल्मां नफरत बना के नफरत बेच रहे आ, नफरत तो प्रॉफिट नफा बना रहे आ, साढ़े पंजाब का सिर नीवा कर रहे दुनिया के विच। असी किसी नफरत नहीं करते, ना मुसलमान ना पाकिस्तान, किसी धर्म नफरत नहीं करते। असी साढ़े नाँ ते साढ़े पगां ते पगां दिखा के नफरत करके फिल्मां बनाउणी एक रिवाज बन गया नवा, तो असी भी देख के जाके वाहवा करी जाने। पंजाब च हड़ आए, पहला भी आए 2019 भी आए आ, हुण भी आए आ, कल परसों फिर पानी छड्डिया गया। कितने साडे पंजाब दे पुत जिहड़े धर्मिंदर ते सनी देओल जिहड़े करोड़ों तो करोड़ों तो पता नहीं किन्ने अरबां करोड़ों बना रहे आ पैसे, साढ़े फिल्म बना के पंजाब के नाँ ते नफरत के नाँ ते, वो जाके हड़न च मदद करते हैं। एक पासे एम पी बने हुआ, एम पी बन के गुरदासपुर बाद वो एरिए किन्ना पानी आया, हूँ कितने गए साडे पंजाब दे पुत। सानू हल्ता भी अकल नहीं आई, हल्ता भी सोचने वाले असं नहीं गए भी साढ़े पंजाब के पुत कौन आ जिहड़े इन शहीदियां दित्तियां, जिहड़े अज पानी दे विच डुब डुब के दूजिआं नूं बचा रहे आ, जिहड़े दिन दिहाड़ी ला रहे पानी दे विच, खाणा पीणा दे रहे आ जिथे पंजाब नूं लोड़ आ। असी सोचो माड़िया तुसीं अज कल जिहड़ियां एक जिहड़ी बन रहीआं फिल्मां पंजाब दे विच भई सिख किसे पाकिस्तान नूं नफरत करदे, मुसलमान नूं नफरत करदे, जां साढ़े पंजाब नूं बेच के फिल्मों का नफा बना रहा है, तो सारा नफा जाता पिछे बॉलीवुड वाल नहीं जाता, बॉम्बे वाल नहीं जाता, तो पंजाब नफा रहिंदा ही नहीं गा। सानू माड़ी जिहा थोड़ी जी सोचना पैना भाई साढ़े पंजाब की हो रहा, की नवीं गल बन रही है, भी साढ़े धर्म उपर साढ़े कल्चर उपर आइडेंटी उपर कि हमला हो रहा है, सानू मिसरीप्रजेंट कर। सो मेरी यही बेनती आ थोड़ी जी सोचो, क्योंकि असी इदां दे नहीं गए, असी किसी खिलाफ़ नहीं गए, पर जे पंजाब दे इन्ना कोई नफा बना, इन्ना प्रॉफिट बना कि पंजाब के पुत बन के उत्थे लाओ पैसा, हुण हड़ किन्ने आए हो, हुण कि घड़ी घड़ी हड़ आ जांदे, उत्थे करो जाके सेवा। ते उधर 15 अगस्त वाले दिन पानीपत की एक मस्जिद के बाहर अखौती देश भगतों के हजूम ने अपना देश प्यार प्रगट करदिया एक मस्जिद के बाहर ना सिर्फ नारेबाजी की सगों मस्जिद में वह दाखिल भी हो गए सन। इन बदमाशों वालों मस्जिद के बाहर खूब हंगामा किया गया, इन्हों कुछ के हाथों के तिरंगे, कुछ लोगों के हाथों के हिंदुत्व के झंडे फड़े हुए सन।
वीडियो दे विच साफ नज़र आ रहा है कि जिमें ही यह बदमाश मस्जिद के मूहरे पहुँचे तो इन्हां लोगों ने अपनी माड़ी मानसिकता का प्रदर्शन करदिया खूब हंगामा किया। इस वीडियो दे विच पुलिस भी खड़ी नज़र आ रही है, पर हालातों तो इंज जाप रहा है जिमें यह पुलिस बेबस होवे। बाबरी मस्जिद तो बाद हुण वाराणसी दे विच स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद उत्ते भी कब्जा करन दीआं तैयारियां पूरे जोरां उत्ते ने अते अदालतां उत्ते भी बहुत गिणती दा पक्षपूर्ण दे इल्जाम लग रहे ने। इस पुरातन मस्जिद दा ASI सर्वे करवाया जा रहा है। इस दौरान हुण मुस्लिम पक्ष दे वल्लों एक अर्जी दायर की गई सी अते इस बारे हुण अगली सुनवाई 22 अगस्त नूं होवेगी। इस बारे दोहां पक्षां दे वकीलां ने गलबात कीती। आज जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी थी कि ASI सर्वे का कॉस्ट जमा किया जाए, उस एप्लीकेशन का हमने जवाब दे दिया है। ये बात यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फाइनली डिसाइड हो चुकी है। ASI की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इसलिए ये एप्लीकेशन आफ्टर थॉट है, मिसप्लेस्ड है। और ये मांग हाईकोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका है। हाईकोर्ट में भी बात उठाई थी, हाईकोर्ट में उसमें कोई आदेश नहीं पारित किया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके कोई बहस नहीं की। इसलिए वापस जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो गया है, दोबारा हाईकोर्ट दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको रेज नहीं किया जा सकता। हमें कॉपी रिसीव कराई है राखी सिंह ने, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या स्टैंड लेना। सब एप्लीकेशन वगैरह की कॉपी प्राप्त कराई गई और अगली डेट 22 तारीख निर्धारित किया गया। आज कुछ नहीं हुआ, हाँ, जो 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 एक दूसरे को कॉपी वगैरह प्रोवाइड करा दी गई, जिसको ऑब्जेक्शन फाइल करना वो फाइल कर दे, सबके निस्तारण के लिए 22 तारीख लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो बलात्कार मामले के 11 दोषियों की समय तो पहला रिहाई का विरोध करने वाली पटिशन उत्ते सुनवाई करते हुए गुजरात में जेल की सज़ा कट रहे दोषियों लिए मुआफ़ी नीति की चोणवी अर्जी उत्ते गुजरात सरकार ते केंद्र सरकार नू सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार नू 2002 तो बाद गोदरा कांड दौरान बिल्किस बानो नाल समूहिक बलात्कार अते उसके परिवारक मैंबरां की हत्या के दोष विच सज़ा कट रहे दोषियों लिए मुआफ़ी नीति की चोणवी अर्जी उत्ते गुजरात सरकार अते केंद्र सरकार नू सवाल किया। जस्टिस BB नागर थाना की अगवाई वाली बेंच ने गुजरात सरकार के 11 दोषियों नू सज़ा मुआफ़ करन दे फैसले नू चुनौती देने वाली पटिशनां की सुनवाई दौरान कई सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागर थाना ने एडिशनल सालिसटर जनरल SV राजू नू पूछया कि मुआफ़ी की नीति नू चोणवे रूप दे विच क्यों लागू किया जा रहा है। सुधार का मौका हर एक दोषी नू दिता जाना चाहिए है, पर जिथे मुनासिब होवे। कि 14 साल बाद उम्र कैद की सज़ा वाले सारे कैदियों नू मुआफ़ी का लाभ देना वाजिब है। इस उत्ते प्रतिक्रिया देंदे हुए अदालत ने पूछा है कि महाराष्ट्र की हेठली अदालत के जज की राय के पक्ष के गोदरा के जज की प्रतिकूल राय को नज़रअंदाज क्यों किया गया। ASG राजू ने टिप्पणी की है कि महाराष्ट्र सैशन जज की नकारात्मक राय केस के गुणा उत्ते आधारित नहीं सी। उत्तराधिकारी जज की राय सी, ना कि मुकदमे की निगरानी करने वाले की। ASG राजू ने जस्टिस नागर थाना दे बेंच दे सामने अपनी टिप्पणी दे विच नोट किया, उन्हां दी राय योग्यता उत्ते नहीं है अते पुरानी मुआफ़ी नीति उत्ते आधारित है। उन्होंने महाराष्ट्र मुआफ़ी नीति उत्ते भरोसा किया, यह राय 1992 की नीति नूं ध्यान विच रखते हुए शायद ही ढुकमी होवे। सो फिलहाल दे लई पंजाब न्यूज़ दे विच इन्ना ही, ते हुण मैनूं इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।